पराठा खाएगी? नो। रोटी खाएगी? नो। मैगी खाएगी? तो क्या मेरा सर खाएगी? पंख। अनायास क्या कर रही है? ये मेरा हाथ है। ये मेरा सैंडविच है। मैं से ही खाऊंगी। अनायास मेरा हाथ है। ये सैंडविच मेरा हाथ है। अरे अरे क्या हुआ? आओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग भाग क्यों रहे हो? अब क्योंकि अनायास को मेरा हाथ खाना है। क्यों भाई? तो आपको सैंडविच खाना है? हाँ। कितने? दस। बेटा 10 तो थोड़ी ज्यादा है, तो 5 ठीक है आपके लिए? हाँ। तो मम्मा तो हमारे लिए बनाएंगी 5 सैंडविचेस, और अगर आपको भी सैंडविचेस अच्छे लगते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मम्मा जल्दी से हमारे लिए चलो। सबसे पहले बनाते हैं ये पिज्जा सैंडविच जो सभी बच्चों का फेवरेट है, जिसके लिए ले बॉइल्ड कॉर्न्स, इसमें डाले बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, पनीर ग्रेट किया हुआ, बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। जिस तरीके से पिज्जा की टॉपिंग होती है, ठीक उसी तरीके से हमने सैंडविच की स्टफिंग को बनाया है। इसके बाद ब्रेड की स्लाइस में लगाएं पास्ता सॉस के लिए, दूसरी स्लाइस में लगाएं मेयोनीज की लेयर। इसके बाद इसमें स्टफिंग को लगा दें। स्टफिंग इवनली स्प्रेड होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड मोज़रेला चीज, चिली फ्लेक्स डालकर ब्रेड से कवर कर लें। और अब हम इसे टोस्ट करेंगे। इन सैंडविच को मैं ग्रिलर में टोस्ट कर रही हूँ, पर आप चाहे तो इसे तवे में भी टोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के बीच में सेट कर दिया है, और आप देख ही सकते हैं 3 मिनट में कितने अच्छे से टोस्ट हो गए हैं। तो बस अपने वीक की शुरुआत कीजिए इस यमी पिज्जा सैंडविच के साथ। अगला मंगलवार के लिए बनाते हैं ये पनीर भुर्जी सैंडविच, जिसके लिए कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर तेल को गरम कर लें। अब इसमें हरी मिर्च प्याज को डालकर हल्का सा गुलाबी होने तक भून लें। तो यहाँ पर प्याज गुलाबी हो गई है, तो इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और उन्हें भी हल्का सा पका लूंगी। इसके बाद इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने यहाँ पे मैश कर दिया है, और मसालों में डालेंगे नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया, इससे कलर और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। तो बस अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकने दें। तो देख सकते हैं यहाँ पे पनीर भुर्जी बन गई है, तो इसे बाहर निकाल दें और अब इसे ब्रेड में इवनली स्प्रेड कर दें। इसके बाद इन सैंडविच को टोस्ट करेंगे, जिसके लिए तवे में बटर को डालकर इन्हें दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप इन्हें ग्रिल भी कर सकते हैं, या अगर सैंडविच मेकर है तो उसमें रख के भी बना सकते हैं। तो यहाँ तैयार है हमारा पनीर भुर्जी सैंडविच। और दोस्तों इसी तरीके से आप वीकेंड्स में एग भुर्जी सैंडविच भी बना सकते हैं। वीक का तीसरा दिन है, तो थोड़ा सा कुछ आसान और हल्का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए बनाते हैं ये वेज सैंडविच। इसके लिए ब्रेड के किनारों को काट लें, और वैसे आप इन्हें बिना काटे भी बना सकते हैं। अब वेज सैंडविच है तो यहाँ पे सब्जियों को ग्रेट करके लिया है। यहाँ पे मैंने खीरा और गाजर लिया है। इसमें डाले 2 बड़े चम्मच मेयोनीज, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों इसमें आप और भी सब्जी जैसे पत्ता गोभी, प्याज या शिमला मिर्च को भी ग्रेट करके ले सकते हैं, और अगर मेयोनीज नहीं है तो आप हैंग कर्ड भी डाल सकते हैं। इन सबको आपस में मिला लें और बस ब्रेड में अच्छे से स्प्रेड करके दूसरी ब्रेड से कवर कर लें, और बस ये तैयार हो गए। देखा ना कितना सिंपल था इसे बनाना, और उतने ही टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं ये खाने में।
नेक्स्ट सैंडविच है चॉकलेट स्प्रेड सैंडविच, जो कि मेरी बेटी अनन्या का तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो इसके लिए ब्रेड में लगाएं चॉकलेट स्प्रेड, यहाँ पे मैंने न्यूटेला स्प्रेड लगाया है। इसके बाद इसको थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए इसमें डाल दें ड्राई फ्रूट्स चॉप करके। तो यहाँ पे मैंने बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश डाले। साथ ही में मैंने इसे बच्चों के लिए और टेम्पटिंग बनाने के लिए डाले हैं चोको चिप्स और चॉकलेट को ग्रेट करके। अगर आपके बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे प्लेन चॉकलेट सैंडविच भी बना सकते हैं। और बस ब्रेड की दूसरी तरफ भी मैंने चॉकलेट की लेयर लगा के इसे कवर कर लिया है और मैं इसे टोस्ट करूंगी ग्रिलर में। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे ग्रिल कर ले और यहाँ पर तैयार है एकदम यम्मी चॉकलेट स्प्रेड सैंडविच। और इस सैंडविच को अगर घर में कोई स्वीट डिश ना हो तो हम एज अ स्वीट डिश भी खा सकते हैं। अब फ्राइडे को हम बनाएंगे आलू तवा सैंडविच। इसके लिए हम लेंगे 2 मीडियम बॉइल्ड आलू, इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इसके बाद इन सबको मिला लेंगे। अगर ये बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स और ग्रीन चिली को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस दूसरी तरफ अब यहाँ पे मैं ब्रेड में बटर को अच्छे से लगा लूंगी और बस जो अब स्टफिंग तैयार की है इसे भी अच्छे से लगाकर फैला लें ताकि एक लेयर बन जाए। इसके बाद इसमें ग्रेटेड मोजरेला चीज डाल दें जो कि ऑप्शनल है। और अब इसे ब्रेड से कवर करके इसे तवे में सेकेंगे क्योंकि इसका नाम ही है आलू तवा सैंडविच। तरफ से सिकने के बाद ये मजेदार आलू तवा सैंडविच भी बनके तैयार है। तो बच्चे तो मजा ले रहे हैं सैंडविच का, आप भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इनमें से आप कौन सा सैंडविच ट्राई करेंगे और आपके बच्चों का कौन सा वाला फेवरेट था। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक मिनट मम्मा, और अगर आप लोगों को भी मम्मा की और रेसिपीज देखनी है तो मम्मा के आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो @cookwithnisha। तो चलो सैंडविच एंजॉय करो और बाय बाय बाय।